अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है यार। चलिए यार, आज मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में स्टोरेज कैसे फ्री अप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मसला एंड्रॉयड में यही आता है कि स्टोरेज जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए आज मेरी वीडियो लाजमी देखना आखिर तक, और ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपके हाथ में दर्द ना हो रहा हो, साथ लाइक का बटन ही प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी स्टोरेज को। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज को ढूंढना है, कोड भी रहेगा ना, टोटल स्पेस 4 GB होगा, अवेलेबल स्पेस यानी कितना रहेगा, 1 GB रहेगा। तो मेरे देखिए 64 GB रहेगा यार, ये कैसे। तो इसको ज़रा आज हम क्लियर करते हैं। क्लियर कुछ इस तरह करेंगे कि क्लीन अप स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ से देखें, अगर आपकी स्टोरेज क्लीन अप ना हुई हो तो यहाँ पे सर्कल घूमता रहता है, उसके बाद आप करते हैं मेरी स्टोरेज क्लीन अप है। जब क्लीन अप है तो पहले से देखिए यहाँ पे टिक लिखा हुआ आ गया है। यहाँ से आप डिफरेंट देखिए आ रहा है नीचे लार्ज फाइल्स। ये लार्ज फाइल्स होती हैं, लार्ज फाइल्स होती है ना, इसको हमने करना होता है क्लियर। तो हम क्लीन अप जब करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, फ्री स्पेस का ऑप्शन। तो जब आप आई मैनेजर में आएंगे यहाँ पे आपको फ्री स्पेस का भी ऑप्शन मिलता है। ऑप्टिमाइज़ मतलब कि आपको फ़ोन को थोड़ा ना कूल करता है। तो आप ऑप्टिमाइज़ जब करेंगे ना, तो अब देखते हैं ऑप्टिमाइज़ में क्या कहता है। हाँ, ऑप्टिमाइज़ में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी होंगे, डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्लीनअप भी होगी, ये ठीक। तो चलिए डन करते हैं यहाँ पे इसको। तो हमारे पास फ़ोन ऑप्टिमाइज़ हो गया है, ठीक है। बाकी फ़ोन कूलिंग भी यहाँ पे हमें मिल जाता है, फ़ोन को कूल करते हैं। और अब फ़ोन अब कूल करने का ऑप्शन हमारे पास ऐसे ही है ना, इसको हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या टेम्परेचर है, चेकिंग फॉर टेम्परेचर, 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो अगर इसको ओपन टच कूलिंग पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे, तो अभी मेरे पास देखिए कूलिंग होने लग जाएगा। ये 60 कह रहा है कि 60 सेकेंड्स में कूल हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको डन करते हैं, ठीक है। तो बस गाइस, ये रही मैं आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आपको बाकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तब तक मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। सिंपल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि स्टोरेज में जाना है आपने, यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन कीज हमारे पास आती हैं, बड़ी काम की चीज़ है ये भी। शॉर्टकट एसेसिबिलिटी में बड़ी चीज़ें आती हैं हमारे पास, अपने आप को अपने फ़ोन को थोड़ा बेहतर करने के लिए ना, आप ज़रा अपनी सेटिंग में ना कुछ वक्त गुजारा करें, थोड़ी सेटिंग किया करें, ताकि आपका फ़ोन थोड़ा स्पीड अप चले। ज़्यादातर होता है कि जब स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है तो फिर फ़ोन की ना परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो सिंपल आपने यहाँ से लार्ज फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, बाकी स्टोरेज फ्री अप कर सकते हैं। ओके, तो यार मेरे आज चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करते रहिएगा, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी। और इस वीडियो को भी ज़रा आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को भी साथ ही। तो ओके।
थैंक यू।